हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए न्यू आईपीओ आते हुए दिखाई दिए थे और वो अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया है क्या हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या एक अच्छा लेवल हो सकता है क्या आ, उनके रजिस्टेंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे उन चार पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और अलग अलग वीडियो भी उनसे रिलेटेड बनाने की कोशिश करूंगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे हमारे चैनल जो आप खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉर एवर इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियोस को जाके देखिए उन्हें लाइक करिए शेयर करिए एज वेल एज अगर हम बात करें आज के दिन की तो यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है भारतीय एयरटेल का राइट इशू आया क्या डिटेल्स है ओ की तरह क्या शेयर गिरेगा या नहीं गिरेगा इस तरीके के क्वेश्चन मुझे अराइज हो रहे थे तो हमने सोचा यहाँ पर एक आपको जवाब देना चाहिए प्ले को गो थ्रू करिए बाकी आज की डेट की बात करूँ तो देखिए तीन दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई थी थ्री यहाँ पर देखिए थ्री पेनी स्टॉक uh थ्री आई टी स्टॉक्स बिलो रुपीज फोर्टी फाइव तो आज के दिन देखेंगे तो एक स्टॉक्स में लगभग अठारह परसेंट का जंप है दूसरे स्टॉक्स में लगभग मेंसेंट का जंप है ओके दूसरा और तीसरा स्टॉक्स थोड़ा उसी के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर उन वीडियो को जाकर देखिए अच्छा खासा आपको यहाँ पर नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी और किस तरीके से स्टॉक्स को हम चुन सकते हैं एक वैल्यू बाइंग जिसे कहते हैं तो उससे आपको पता चलेगा तो आइए वीडियो की तरफ और जानते हैं एक एक करके हम उन स्टॉक्स से रिलेटेड तो यहाँ पर हम स्क्रीनर पर आ गए हैं और एक एक करके हम जानते हैं तो हम देखे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सारोटाइज की एक्सारोटाइज आपको पता ही है जैसे कि टाइज इसमें लिख रहा है ये एज वेल एज टाइल्स में ये बिजनेस करती हुई नजर आती है और इट्स प्रोडक्ट बास्केट कंज्यूमर मतलब थाउजेंड प्लस डिजाइन के यहाँ पर इनके यहाँ पर प्रोडक्ट्स है इट uh, इज sold under अंडर इट्स ब्रांड Exaro एक्सारो के नाम से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें अः मार्केट कैप की तो देखिये छह सौ पंद्रह करोड़ बिल्कुल माइक्रो uh, कैप कंपनी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कौशल होने की जरूरत होती है ऐसी कंपनीज में क्योंकि ये भागती है तो इसी तरीके से भागती है कि अपर सर्किट लगते हुए नजर आते हो, गिरती है तो उसी तरीके से यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है जो की अभी आपको दिखाऊंगा पी यहाँ पर चालीस के पी में मिल रही है आर पर थर्टीन का है डेट की बात करें तो डेट इसके पास

शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर देने रखा है और इनके कंपैरिजन करेंगे अगर आप यहां पर देखिए तो यहाँ पर एग्जारो देखिए और एशियन यहाँ पर मार्केट सी एम पी मार्केट कैपिटल देखेंगे तो देखिए एशियन ग्रेनिटो पांच सौ इक्यावन करोड़ की है और ये छह सौ पंद्रह करोड़ रुपए की है और और बट अगर बात करें एशियन एक हिस्ट्री है इसके पास और साथ केवल के चालीस के पी पे मिल रही है तो जहां पर हम बात कर रही है एक कंपनी यहाँ आप पर आपको सस्ते में मिलती हुई नजर आ रही है और एक हिस्ट्री है काफी लंबी हिस्ट्री है इसकी इसके अलावा आरओसी की बात करें लगभग आर दोनों की सेम है तो आप खुद डिसाइड करिएगा कि आप

और ऊपर के बेस पे यहां पर इसने एक सौ चार फोर्टी फोर का यहां पर हर्डल बना रखा है तो अभी ये शेयर मुझे लगता है कि इसी के बीच में काफी टाइम तक ये कंसोलिडेट कर सकता है और अगर शेयर इसके नीचे आता है या फिर इसके बराबर में आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी यहाँ पर शेयर को खरीदने की और ये रिजल्ट भी आने वाले हैं तो रिजल्ट के बेस पे अगर रिजल्ट अच्छे आए तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं बट अगर बात करें एक सौ का अगर ये क्रॉस कर देती है तो समझ लीजिएगा एक ब्रेकआउट है और यहाँ पर ये शेयर प्राइस आपको फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर ट्रेड टू ट्रेड मतलब आप आज शेयर लेंगे तो आप दो दिन के बाद ही बेच सकते हैं तो इसे टी प्लस में ही बेच सकते हैं तो

भी शेयर अभी आता हुआ दिखाई दिया पीई की बात करें 16 के पीई पे आरओसी 129 का जो कि बेहतरीन है आरओई की बात, बात करें 1062 का है डेट की बात करें लगभग 100% का यहां पर डेट भी है प्लेजिंग की बात करें कोशिश है यहां पर प्लेज नहीं है मार्केट कैप अगेन स्मॉल कैप कंपनी है ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है और इसका अगर कंपैरिजन करें तो इसका कंपैरिजन आप डॉक्टर लॉल पैथ लैब से कर सकते हैं इसके बाद हायरो केयर से कर सकते हैं तो यहाँ पर इसकी पी की बात करें तो पी के हिसाब से ये शेयर काफ़ी सस्ता नजर आता है इसके अलावा मार्केट कैप में तो जमीन आसमान का फर्क है ही है और आर अगर बात करें आर तो आर इसका इसी का अच्छा खासा नज़र आ रहा है तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें सेल्स की तो कंपनी देखिए पिछले पाँच साल में बेहतरीन

कंपनी का नेगेटिव में इस को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी दो 232 करोड़ रुपए की बोरिंग है सौ परसेंट के आसपास की, की बोरिंग है तो बोरिंग भी ज्यादा है सारे पॉइंट को आपको माइंड में रखने हैं। उसके हिसाब से ही आपको अपना एनालिसिस करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को कैश की बात करें एक सौ तिरपन करोड़ का कैश भी है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी यहां पर दे नहीं रखी है बट अगर हम बात करें यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक की तो देखिए अभी डायग्नोस्टिक पर अगर मैं बात पर्टिकुलर स्टॉक्स की काफी नीचे लेवल पर यहाँ चल रहा है और मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटी जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जब मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करूंगा तो यहाँ पर भी क्या यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर भी देखिए ये शेयर इसी रेंज में यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक यहाँ पर दोबारा यहाँ पर

ऊपर के लेवल की बात करें तो देखिए ऊपर के लेवल पे थाउजेंड नाइन्टी एट का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर से जब ऊपर निकलेगा तब ये भगता हुआ नजर आएगा और नीचे के लेवल पे बात करें तो एट सिक्सटी थ्री रुपीज का यहाँ पर बनाए तो इसी के बीच में यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा अगर इसके नीचे मिलता है एट द टाइम वी विल डिसाइड की हमें एग्जैक्टली exactly करना क्या है तो अभी थोड़ा सा पर इस स्टॉक में भी रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक भागते हुए नजर आ रहे हैं तो लोग बहुत अग्रेसिवली बाइंग कर लेते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर इन स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ इसके अलावा हम अगर बात करें एक और शेयर है विंडलास बायोटेक आपको पता है ये कंपनी क्या करती है नजर आती है सी में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है अलग से वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे बट अगर बात करें पी की तो फोर्टी नाइन के पी पे नाइनटीन और सेवन का यहाँ पर है रेस्पेक्टिवली और डेट की बात करें सोलह परसेंट का डेट है ना के बराबर प्लेजिंग की बात करें पर प्लेजिंग भी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा यहाँ पर बात करें ईयरली करे, रिजल्ट्स की तो ईयरली रिजल्ट यहाँ पर देखिए कंपनी के दो के बाद थोड़े गिरते हुए नजर आए बट जैसे कि यहाँ पर पेंडेमिक था पूरे दौरान तो यहाँ पर इस चीज का इसे फायदा हुआ तो हुआ नजर आया और फोर करोड़ रुपीज का यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर हम देखते तो यहां पर नेट प्रॉफिट यहां पर कंपनी का और एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है मतलब जब इस तरह मैंने मोस्टली देखा है यहाँ पर जब एनालिसिस करी है कि जब इस तरीके से एक रेंज में घूमता हुआ नजर आता है मतलब कभी ज्यादा कभी कम तो उस का जो शेयर प्राइस है ना वो ऊपर जाने की कोशिश तो करता है बट ऊपर जा नहीं पाता है नीचे आ जाता है मोस्टली तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा आप देखिएगा और यहाँ पर अगर हम बात करें और भी कुछ चीजों की रिजर्व देखिए एक करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स है बॉरिंग यहाँ पर केवल बत्तीस करोड़ रुपए की है वर्किंग प्रोग्रेस सॉरी इन्वेस्टमेंट में ट्वेंटी करोड़ रुपीज है कैश की बात करें इकतीस करोड़ का कैश भी है और यहाँ पर अगर देख

पीस का यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल है क्योंकि यहीं से ये शेयर आके यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया और नीचे के लेवल की बात करें तो ये नीचे के दो लेवल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं तीन रुपए और ये तीन रुपए का तो ये लेवल यहाँ पर अच्छा खासा है तो देखिए इसी तरीके से दूसरे शेयर भी ऊपर जाके फिर नीचे आते हुए दिखाई दिए क्योंकि लोग जैसे ही भागना शुरू करते हैं ना तो पीछे पड़ जाते हैं अभी एक दायरे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए जिस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे ना वी विल टेक एंट्री और वी विल टेक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स हमारी नजरें है ही देखिए अगले महीने या नेक्स्ट 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 मंथ यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू होंगे तब यहाँ पर डिसाइड होगा एज वेल एज अभी यहाँ पर भी देखे तो यहाँ पर भी देखिए कि यहां पर शोल्डर बनाता हुआ नजर आ रहा है देखते किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाएगा बट यहाँ पर थोड़ा होल्ड रहने की यहां पर कोशिश करें यहाँ पर जाएगा एग्रेन बाइंग यहाँ ना करे इसके अलावा यहां पर एक और पर्टिकुलर स्टॉक है कैंप्लस ये भी स्टॉक अगर हम देखे Uh, तो ये स्टॉक भी अभी ही आता हुआ दिखाई दिया है लगभग नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी है आर ओ सी आर ओ दोनों बेहतरीन ट्वेंटी सोलह परसेंट के डेट है मतलब कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है पी पी के P, पे पर ये शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है और अभी ये शेयर यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आया था अगेन अगर हम यहां पर देखें सेल्स की तो ये कंपनी तो ऐसी थी जो तो एक बार डीलिस्ट होकर दोबारा लिस्ट हुई है तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान देना है सेल्स की बात करें कंपनी के सेल्स यहां पर ईयरली बेसिस पे काफी बढ़ते नजर आए बारह सौ चौवन बारह सौ अठावन बट अगर लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें सैतीस करोड़ के यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई है तो इट बी कि की कंपनी किस वजह से यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर इसे एक पेंडेमिक का फायदा मिलता हुआ नजर आया इस वजह से यहाँ पर शेयर शायद ये सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है तो थोड़ा सा इस चीज में गौर देना पड़ेगा बेफ बे में हमें बिना देखे इन्वेस्ट करने की जो हमारी आदत है वो थोड़ा सा हमें होल्ड रखनी चाहिए क्योंकि 10 परसेंट भाग गया इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर भागता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा यहाँ पर अगर इस तरीके के शेयर भागते भी है थोड़ा होल्ड करिए अपने, अपने हमको ट्रैप नहीं होना है हमें पैसा बेशक से हम ना कमाए हमें लॉस भी नहीं करना है नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट साथ से यहाँ पर देखिए हमेशा मैंने आपको बताया एक मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर तो ऐसे शेयर में कुछ ज्यादा गारंटी नहीं रहती ऐसे शेयर भी इसी तरीके से झूलते रहते हैं हवा में तो इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा बाकी यहाँ पर डेड ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए इस बार इसने एक करोड़ रुपए का यहाँ पर आ, क्या कहते हैं सॉरी यहाँ पर अगर बात करें इंटरेस्ट कितना चार सौ तैतीस करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तो इस चीज को भी आप ध्यान में दीजिए क्योंकि इनकी बोरिंग नौ सौ सत्ताईस करोड़ की बोरिंग है नेगेटिव में यहाँ पर है है नेगेटिव नेगेटिव पर तो ये चीज भी देखना है शेयर प्राइस बेशक कितना ही भागे डिजेंट मैटर बट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख के ही हमें कोई ट्रेड लेना है छह सौ इक्यावन करोड़ का कैश भी है जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं ये और अगर हम यहाँ पर बात करें कैम्पलास्ट की तो यहाँ पर देखिए कैम्पलास्ट यहाँ पर देख देखते हैं तो देखिए यहाँ पर से आए नीचे और नीचे आके यहाँ पर आज के दिन में देखिए अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया लगभग कितना अच्छा खासा नौ दस परसेंट यहाँ पर भागता हुआ नजर आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग देख लेते एक बार कितना परसेंट यहाँ पर भागता हुआ नजर आया ये नीचे से नीचे लेवल से तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं लगभग नौ दस परसेंट ही भागता हुआ नजर आया है बट ऊपर के लेवल पर अब यह सपोर्ट बन गया छह सौ सत्रह रुपए के आसपास का और नीचे के लेवल पर ये पांच सौ दस का और देखिए ऊपर भागा जरूर था बट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए नीचे के लेवल पर दोबारा अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर बनेगी मिलेगी अच्छे खासे वॉल्यूम तो आया है बट बत... थोड़ा सा मुझे कहना ज्यादा देखिए तीन छह ट्रेडिंग सेशन ही तो दिखाया है तो ज्यादा पेशेंट इन, इन रखिए मार्केट में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अभी भी मिल रही है उससे रिलेटेड अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जाके देखिएगा तो वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए किसी भी स्टॉक को भागने पर मत लीजिए उसके फंडामेंटल्स चेक करिए तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सो थैंक यू सो मच गॉड प्लस